गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल, सबको स्वागत है। आज हमारे साथ हमारा एक वेरी क्वालिफाइड गेस्ट है। इसने मेडिकली क्वालिफाई होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करने के बाद, एमबीबीएस एंड एमडी करने के बाद टीचिंग लाइन में गए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एसआरटीआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबाई जगह, आपने अंबे जो गए महाराष्ट्र, आपने प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में बहुत काम किया है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। एंड आप क्यों डीएक्सएन आए, डीएक्सएन का आपका अट्रैक्शन कैसा हो गया, डीएक्सएन के साथ क्या लव अफेयर है, वो आज आप आपके मुंह से लोग सुनेंगे। एंड आप इतना एक्साइटेड हो गया डीएक्सएन का प्रोडक्ट के बारे में, इसका रिजल्ट के बारे में, ये कारण से आपने इसको वेरी सीरियसली लिया। इसी कारण से आप स्टॉक पॉइंट को भी लिया अंबे जोगई में, डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट है आपके साथ। और डीएक्सएन को आप 2016 में अट्रैक्ट हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्ट आपको पहले है था और नहीं मुझे मालूम नहीं, वो आप शेयर करेंगे, बट वो सिस्टम को आप जबरदस्त समझे, ये कारण से आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बारे में, ये न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी आपको समझाने का और आपको इसके बारे में डिटेल बताने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आपने माइंडसेट के साथ ही आया। अफकोर्स सबको सीखना जरूरत है, मुझे मालूम है आपने 2000 नवंबर में 16 में आए, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आप 2017 में मैसूर हमारा फ्रीडम डे में अटेंड किया, आप कोचिन फ्रीडम डे को भी आ गया, लास्ट टाइम का फ्रीडम डे के में आपका पिताजी का हेल्थ के कारण से, देहांत के कारण आप नहीं आ सका, नहीं तो आपने जबरदस्त सीखने को शुरू किया बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, एमडी इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। ज्यादा जानकारी देने का आपको जरूरत नहीं था, आप समझ सके इससे कैसे आपको लीनियर इनकम का जरूरत है और फाइनेंशियल फ्रीडम का, टाइम मनी सिक्योरिटी। ये टाइम मनी सिक्योरिटी के कारण से ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सबको चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, लोगों ने डीएक्सएन को अट्रैक्ट होता है स्वास्थ्य के कारण से, हेल्थ के कारण से ही आते हैं मेजॉरिटी लोग। बहुत कुछ लोगों ने रोगों से सफर करके आता है, क्या यहां कुछ रिलीफ मिलेंगे सोचकर आता है, बाद में वो सिस्टम के बारे में सोचते हैं और उसका ट्रेनिंग एजुकेशन हो सकता है वो बारे में नेटवर्कर बनता है। बट बहुत कुछ लोगों ने डीएक्सएन में जोड़ा फर्स्ट स्टेप में, ओनली बिकॉज ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन। आप भी ये कारण से कैसे डीएक्सएन को ढूंढ कर आ पाए,
आपका जो जानकारी मिला डीएक्सएन के बारे में और गेनाडर्मा कॉफी के बारे में रादर देन डीएक्सएन, कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिला? थ्रू इंटरनेट और थ्रू कॉन्टेक्टिंग सम साइंटिस्ट व्हाट एवर इट विल बी, उसके बारे में आपको बताना आप जरूरी है, क्योंकि बाद में आप इंडिया में कहा डीएक्सएन है। अभी डीएक्सएन को लोगों ने बहुत मुश्किल से जाकर डॉक्टर होंगे, लायर होंगे, इंजीनियर होंगे, ऑर्डिनरी पर्सन होंगे, फैमिली लोग होंगे, जोड़ना इतना मुश्किल है क्योंकि लोग नहीं सुनते, वो बताता है वो नहीं आएंगे। बट आपके जैसे लोग डीएक्सएन स्टॉकिस्ट को ढूंढ कर, आपको मालूम नहीं डीएक्सएन ऑफिस कहाँ है, डीएक्सएन प्रोडक्ट कहाँ है, आप नेट में डीएक्सएन स्टॉकिस्ट का नजदीक का स्टॉक पॉइंट को ढूंढ कर, बीड स्टॉकिस्ट को, महाराष्ट्र में बीड स्टॉकिस्ट को आप जाकर खुद वॉलंटियरली आप मेंबर बना उसके नीचे ये तो बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी है। अभी हमने दिन रात लड़ते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, अरे यार खाओ, अरे यार स्वास्थ्य है यहाँ, अरे यार स्पिरुलिना इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जड़ी बूटी का रानी है, जड़ी बूटी का राजा है, बताकर कन्विंस करने वो लोग भाग जाते हैं। आपने ये प्रोडक्ट को वॉलंटियरली ढूंढ कर स्टॉकिस्ट के साथ जाकर खुद मेंबर बने डिस्ट्रीब्यूटर ने, रिमेनिंग इज हिस्ट्री। आज आज आपने लगभग 3 बरस से जो आपने किया है बहुत प्रशंसनीय है, आपने ईएसडी बन गया है, आपका यहाँ बहुत बड़ा फ्यूचर होंगे, और आपने स्टॉकिस्ट भी है, आपको डेफिनेटली इसमें वेरी टॉप दैट मींस क्राउन एम्बेसडर बनने का वो रास्ता में आप है, मुझे इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। वेलकम टू डॉक्टर प्रशांत दहिरे फ्रॉम अंबेजोगाई, MBBS MD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वेलकम टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर, थैंक यू फॉर यूर वेरी वेरी काइंड इंट्रोडक्शन ऑफ मी। मेरा जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, और मुझे बहुत आज खुशी खुशी हो रही है सर, मुझे आज इस आरवीसी के प्लेटफॉर्म पर, और मुझे खुशी हो रही है कि डीएक्सएन के जो फादर है, फादर एंड मदर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीएक्सएन, जिनके चैनल पर मुझे आज मौका मिला आज आपके सामने बोलने का, जिनकी वजह से ऐसे प्रोफेसर एंड डॉक्टर वसुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैडम, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ दिस डीएक्सएन इन इंडिया, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से मुझे इस आरबीसी के प्लेटफॉर्म पर बोलने का आज मौका मिला, और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर ने, उनका भी मैं बहुत बहुत इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और मैं दूसरी बात, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सुरेश दादाजी चरडे सर का, जो सेकंड क्राउन एम्बेसडर है डीएक्सएन में, जो मेरे मेंटर है, जो मुझे हमेशा सिखाते हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, हर पल मुझे वो गाइड करते रहते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे महाराष्ट्र के सेकंड क्राउन एम्बेसडर संतोष जी देवकर सर का, उनको भी मैं बहुत सुनता हूँ, उनके भी जो भाषण होते हैं बहुत कॉन्फिडेंस लाते हैं बिजनेस बिल्ड करने में, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर यश रंजन सर, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ हमेशा, जब भी मैं उनको सुनता हूँ उनसे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ सर, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे दूसरे बहुत बड़े मेंटर मिस्टर जे के सिंह सर, मुंबई के गोल्ड डायमंड, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह सारे सारे बहुत बड़े बड़े लोग हमारे
मेंटर है जिनकी वजह से मुझे आज मौका मिला आपसे गुफ्तगू करने का इस आरवीसी के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यह आरवीसी और बहुत अच्छा काम कर रहा है इवन इन कोविड के इस लॉकडाउन में, इस गंभीर सिचुएशन में ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरवीसी ने हमें दिया है। तो तहे दिल से हम प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैडम जो भी इस आरवीसी चैनल को मदद कर रहे हैं हम लोगों तक पहुंचाने में, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिरी में सब जो व्यूअर्स है, सब जो डीएक्सएन के जो मेंबर्स है, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आज पूरा भारत आज देख रहा है इस आरवीसी चैनल को। पूरा वर्ल्ड जो भी इस आरवीसी चैनल को फॉलो करता है, ये सब इस चैनल को देख रहे हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं जो है मेरी स्टोरी जो है आपसे शेयर करने जा रहा हूं और मैं आपसे जो पीपीटी है मेरी पीपीटी के माध्यम से जो भी आज डॉक्टर वसुपाल सर ने मुझे सब्जेक्ट दिया है उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं कैसे आया हूं इस डीएक्सएन में और आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया है डॉक्टर वसुपाल सर ने उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आज मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं। ओके, थैंक यू। सो आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज जो मुझे टॉपिक दिया है प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर ने वो है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिटी इम्यूनिटी टू प्रिवेंट पैंडेमिक्स। कम्युनिटी इम्यूनिटी यानी कि पूरे लोगों की जो इम्यूनिटी है, ये जो अभी पूरे पैंडेमिक्स पूरे वर्ल्ड में हो रहे है, यह जो है यह कैसे प्रिवेंट इंप्रूव किया जाए, कम्युनिटी इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, अभी इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ मैं मेरी स्टोरी भी, मैं कैसे डीएक्सएन में आया, वसुपाल सर ने तो बहुत अच्छी तरह से मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर भी आप इस पीपीटी के माध्यम से वह मेरी स्टोरी आप सुन सकते हैं। तो मैं आज अभी ये पीपीटी आपसे आपके साथ शेयर करता हूं। तो अभी मेरी स्टोरी तो आपको पता चल चुकी है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल टीचर, मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस मैंने स्वामी रामानंद तीर्थ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई जो कि मराठवाड़ा में है, महाराष्ट्र में आता है, और वहां से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। सन 2002 में मैं एमबीबीएस हुआ, उसके बाद एक साल मैंने मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन हुआ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में रिमोट एरिया आता है, और उसके बाद मैंने 2003 से 2007 में 6 में मैंने एमडी किया, एमडी इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। अभी मैं लगभग 12 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे, मैं एमबीबीएस के छात्राओं को मैं पढ़ाता हूं, एमडी के छात्राओं को भी मैं पढ़ाता हूं, और मेरे नीचे बहुत सारे एमडी डॉक्टर गाइड मैं कर चुका हूं, लगभग 6 से ज्यादा एमडी डॉक्टर मैं गाइड कर चुका हूं। और अभी इस डीएक्सएन में ज्वाइन होने के बाद मैं तो अभी हर दिन पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से अभी मैं खुद का अभी एक टैग लाइन भी मैंने अभी जोड़ दिया है, जो भी मैं काम करता हूँ अभी मैं यूट्यूबर बोल के भी मैं काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और एंटरप्रेन्योर नेटवर्क मार्केटिंग में जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो आप सबको अपॉर्चुनिटी है तो वो भी मैं अभी एक्सपांड कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस डीएक्सएन। एंड माय स्पेसिफिक फोकस, मेरा जो फोकस है पूरे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो जो हेल्थ है पॉपुलेशन का जो हेल्थ है विद द हेल्प ऑफ दिस गैनोडर्मा मशरूम, उससे कैसे इंप्रूव किया जाए यह मैं अभी देख रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड को अगर चेंज करना है
तो आपको खुद से स्टार्ट करना होगा और आपको खुद से स्टार्ट करके आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा और वहां से ही आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं अगर आप खुद पे अगर काम करेंगे तो। और अगर आप खुद को अगर सॉर्ट आउट कर सके तो पूरे वर्ल्ड में एक पर्सन कम हो जाएगा जिसकी सब लोग चिंता जिसकी चिंता करनी चाहिए। अगर आप खुद को इम्प्रूव करेंगे तो वर्ल्ड का बोझ भी कम हो जाएगा और आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे अगर आप खुद के पैरों पर अगर आप खड़े होते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड पर बोझ नहीं होंगे, आप लोगों की मदद करने लगेंगे। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट रादर देन यू कैन बिकम अ कंज्यूमर। यू कैन मीन्स एड द ऑर्डर रादर देन यू कैन एडिंग द डिसऑर्डर। ये सब मैं बिलीव करता हूँ और मैं वह फॉलो भी करता हूँ। अभी मैं मेरा तो स्टोरी प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर ने बताया है। मैं इस डीएक्सएन में मैं ज्ञानोडर्मा के संपर्क में एक्सीडेंटली आया। ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज की बीमारी है और वो लगभग 14 साल से मुझे डायबिटीज है। 2006 में मुझे मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और मुझे हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं रक्तदाब, वह ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है 7 साल से। और इसके लिए मैं इंसुलिन लेता हूं और ऑल एलोपैथिक मेडिसिन जो है मेडिकेशन वह कंट्रोल करने के लिए मैं इतने सालों से मैं लेता हूं। और मैं जब 2016 में मैंने एक अमेरिका का जो हेल्थ पॉडकास्ट है मॉडल हेल्थ पॉडकास्ट नाम है उसका और उसका जो चलाने वाला हेल्थ पॉडकास्ट है उसका नाम है शॉन स्टीवनसन, उसके जरिए मैंने सुना कि ज्ञानोडर्मा कॉफी जो है वह डायबिटीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके हर एपिसोड में वो बताता है अगर आप डायबिटीज की कॉफी अगर कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्लड शुगर कम होता है। तो मैंने जो है उसका पॉडकास्ट सुनने के बाद गूगल पर सर्च किया कि मुझे ये ज्ञानोडर्मा की कॉफी कहाँ पर मिलेगी और मैं एक्सीडेंटली इस डीएक्सएन के संपर्क में आ गया। और मैं एज वसुपाल सर ने बताया मैंने स्टॉकिस्ट ढूंढ लिए और बीड़ के जो स्टॉकिस्ट है मिस्टर जोगदान सर जो मेरे जिन्होंने मुझे इस डीएक्सएन में लाया जो मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिए आरजीजीएल स्पिरुलिना पूरे ज्ञानोडर्मा सप्लीमेंट्स दिए और मैं वह प्रोडक्ट जो है खुद के लिए मैं कंज्यूम करने लगा। एक हफ्ते के बाद जब मैं सारे ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा था ज्ञानोडर्मा खा रहा था ज्ञानोडर्मा की कॉफी पी रहा था ज्ञानोडर्मा के सप्लीमेंट्स पूरे खा रहा था तो एक हफ्ते के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो वेलनेस है फीलिंग और आई एम फीलिंग ऑफ वेलनेस इन माय बॉडी जो है कुछ तो भी अच्छा मेरे बॉडी में मुझे फील होने लगा। वो जो हैप्पीनेस लेवल बोलते हैं अच्छा लगने की जो फीलिंग है वो बहुत जोर से मेरे बॉडी में इंक्रीज हो गई और मेरे शुगर लेवल्स भी है वो धीरे धीरे कम होने लगी। मेरा ब्लड प्रेशर जो है वह भी धीरे धीरे कम होने लगा और मेरी बॉडी ऐसे पूरे संकेत दे रही थी कि मैं अभी नॉर्मल में आ रहा हूं जो पहले एबनॉर्मल रीडिंग थे। इवन दो आई एम ऑन एलोपैथिक मेडिकेशन जो भी मुझे एलोपैथिक पूरे इंसुलिन जो है मुझे 90 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन मैं पहले लेता था। 3 बार इंसुलिन मुझे लेना पड़ता था, सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त इंसुलिन लेना पड़ता था, दोपहर में इंसुलिन लेना पड़ता था और शाम में भी इंसुलिन लेना पड़ता था और पूरे एलोपैथिक मेडिकेशंस भी मुझे चालू थे। तो यह सब करने के बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जो शुगर है मेरा जो ब्लड प्रेशर रीडिंग्स है वह कम हो रहा है। नाउ अभी जो है मेरे रीडिंग्स मैं हमेशा मेरे सोशल मीडिया पे मैं शेयर करते रहता हूँ। जब भी मैं मेरा ब्लड शुगर चेक करता हूँ मेरे स्टोरीज पे व्हाट्सएप स्टोरीज हो या फेसबुक की स्टोरीज हो या इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो सब पर पूरे लोग देखते हैं और पूरे लोग मीन्स उनको मैं दिखाता हूँ कि इस सप्लीमेंट्स के वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैंने एडॉप्ट की है उसकी वजह से अभी मैं जो मेरा डिसीज है डायबिटीज एज वेल एज हाइपरटेंशन मैं कंप्लीट रिवर्ट करने की प्रोसेस में हूँ। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ऑल दीज क्रोनिक डिसीजेस और मैं कुछ ही दिनों में मैं आपको सबको दिखाऊंगा कि मैं इंसुलिन फ्री हो गया हूँ एज वेल एज मैं मेडिकेशन फ्री भी हो गया हूँ। और इसका जो पूरा श्रेय है ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वह डीएक्सएन को जाता है। अभी कुछ महीनों खाने के बाद भी मेरी जो स्किन है वह भी अच्छी दिखने लगी, मेरा जो पूरे बॉडी में जो पेन था वह भी बहुत कम होने लगा, अदर सिम्टम जो थे वह भी पूरे धीरे धीरे कम होने लगे, और अभी मैं बहुत हैप्पियर एंड कामर जो है, कामनेस जो रहता है अपने बॉडी में गैनोडर्मा स्पिरुलिना पूरे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स खाने के बाद जो आता है वो मुझे सब मुझ में आने लगे, धीरे धीरे मुझे सब में दिखने लगे। अभी यह जो सारे बेनिफिट्स है जो मैं एक्सपीरियंस करता था 2016 में खाने के बाद, जो भी मेरे बॉडी में चेंजेस हो रहे थे जैसा जैसा खा रहा था, जैसा जैसा वक्त गुजर रहा था, तो मैं जो मेरी फैमिली भी खा रही थी साथ साथ, और मैं जो है गैनोडर्मा मशरूम के बारे में पैशनेट हो गया, मैं ढूंढने लगा और क्या इसके बारे में हम जानकारी पा सकते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। गैनोडर्मा मशरूम स्पिरुलिना ये पूरे इसको मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं लोगों को बताने लगा कि जो है आपको जो है जो लोग मींस इस पूरे क्रोनिक डिसीजेस को सॉल्यूशन बहुत सर्च करते हैं उनको बताने के लिए मैं यह बहुत एक्साइटेड हो गया। नाउ हर रोज मैं जब भी उठता हूं तो मैं जो डीएक्सएन का जो मिशन है उसी मिशन के साथ मैं भी उठता हूं। हर दिन जब भी उठता हूं मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं कि मुझे भी इंस्पायर करना है पूरे लोगों को टू अचीव हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अपने डीएक्सएन का जो विजन है वही विजन हर दिन उठने के बाद पूरा मैं वही विजन लेके मैं लोगों को किस तरह और इंस्पायर कर सकूं वो विजन लेके मैं चलता हूं। और यह विजन जो है वह कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, मेरी जो गैनोडर्मा एचवर्स टीम है, पूरी जो टीम है जो पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे जो जोश के साथ काम करती है, वो ऐसे बहुत सारे मेरे सारे जो मेंटर्स मैंने नाम लिए हैं वो भी मुझे इस मिशन में मुझे मदद करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यह जो मीट है ये हो गई, मैं नवंबर 26 नवंबर 2016 में डीएक्सएन में ज्वाइन हो गया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में, और इमीडिएटली इन जनवरी में एक आरबीसी का इवेंट हुआ था जो जहां पर जिस इवेंट के लिए अपने फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर फादर ऑफ फादर एंड मदर ऑफ डीएक्सएन प्रोफेसर डॉक्टर वसपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैडम वो आए थे इस इवेंट में जनवरी 2017 में, और उस इवेंट का भी आप फोटो देख रहे हैं वहां पर स्टेज पर आप मुझे देख रहे होंगे सॉरी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फोटो है मेरा, और यह एक डीएक्सएन का इवेंट है जहाँ पे सेकंड क्राउन एम्बेसडर चरडे सर मुझे वह एक ट्रॉफी दे रहे है, वहां पे एक बॉम्बे में एक कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम का है। और नीचे वाला जो फोटो है जो चरडे साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम जो अपना जो डीएक्सएन का जो फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल है उनको मुझे मिलाया था, आप देख रहे होंगे मैं कैसा दिखता हूँ उस फोटो में आप देख रहे होंगे, तो उनको मुझे मिलाया था। और यह जो मीट है मेरा एकदम जो व्यू है डीएक्सएन को देखने का इस मीट की वजह से मेरा पूरा चेंज हो गया है। यह क्योंकि इस डीएक्सएन बिजनेस में आपको ऐसे मेंटर की क्यों जरूरत होती है, यह जो मीट है उसने मुझे सिखाया कि आपका व्यू कैसे चेंज हो सकता है, आपका बिलीफ जो है स्ट्रांग करने में आपकी अपलाइन जो है वह बहुत हेल्प करती है, मदद करती है। अभी आप देखेंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस गैनोडर्मा एंड स्पिरुलिना, यह है अक्टूबर 2016 से पहले मैं जब 26 नवंबर 2016 में ज्वाइन हो चुका था, वह जो है एक साइड में मेरा 2016 से पहले गैनोडर्मा चालू होने से पहले जो मेरा फैमिली है और मैं फैमिली के साथ मेरा फोटो है, मेरी अमेजिंग फैमिली, माय वाइफ एंड माय टू किड्स, माय यंगर सन ओल्डर सन अनुज एंड यंगर माय डॉटर आर्चिशा शी इज नाउ स्टडिंग सेकंड स्टैंडर्ड एंड माय सन इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड एंड माय ब्यूटीफुल वाइफ रीना, ऑल दे आर सपोर्टिंग इन माय डीएक्सएन बिजनेस and they are means due to them only I am doing all these things। अभी आप देखेंगे ये डीएक्सएन को ज्वाइन होने से पहले ये फैमिली का फोटो है, और यह जो है जून 2020 में मैंने फोटो खिंचवाया था। यह जो है आप देख रहे होंगे चेहरा देखिए आप जो चेंज है यह सिर्फ डीएक्सएन की वजह से आया है, डीएक्सएन की वजह से यह चेंज आया है। ये जो है फर्स्ट लाइव इवेंट जो मुंबई में हुआ था जनवरी में
वहां का फोटो है। ये जो है जो मलेशिया में 25th एनिवर्सरी हुई थी, जहां पे मेरे टीम के मेरे साथ और दो डॉक्टर भी क्वालिफाई हुए थे। वहां का मलेशिया का जो फार्म है और मलेशिया को जब हम गए थे वहां के ये फोटो है। ये जो है हमारे जो मेंटर है प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर, उनके साथ मेरी जो मीट हुई थी मुंबई की जो एनुअल रिकग्निशन है, और पुणे में जो आरवीसी का इवेंट हुआ था मेरे टीम के साथ, मैं उनको मिला था। ये उसके फोटोज है। यह है आरवीसी का फ्रीडम डे, केरला में जो फ्रीडम डे हुआ था, नेशनल प्लेटफॉर्म आरवीसी का। हर बार जो है आरवीसी एवरी ईयर ऑन द बर्थडे ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर, ही अरेंजेस ऑन सेलिब्रेशन हिज बर्थडे, ही सेलिब्रेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस आरवीसी फ्रीडम डे। ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट शुड गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड टू गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम दिस आरवीसी फ्रीडम डे ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट गाइस। एंड ये प्लेटफॉर्म पर मुझे भी बोलने का मौका मिला, और ये केरला का जो है आप देख रहे होंगे मुझे डॉक्टर लिन के सामने बोलने का मौका, प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर और प्रोफेसर हमारे जो सेकंड क्राउन एम्बेसडर सुरेश दादाजी चरडे सर, ये दोनों ने मिलकर मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम बोल सकते हो स्टेज के ऊपर, और उनकी वजह से मैं इस स्टेज पर डिलीवर डॉक्टर लिम सर के सामने मैं और 5000 पॉपुलेशन के सामने मेरा स्पीच जो है डिलीवर कर पाया। आप देख रहे होंगे ये गोवा का मास्टरमाइंड क्या प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर, टीम बिल्डिंग का जो काम होता है वह बहुत अच्छी तरीके से करता है। ही इज द इरिक वरी, इंडियन इरिक वरी गाइस, इंडियन वरी कवरी। एंड जो भी आपको टीम बिल्डिंग को जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हर वक्त प्रोवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल के साथ टीम गोवा का मास्टरमाइंड मेरे टीम के साथ फन करते हुए ये सारे फोटोज है। यह जो है जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स मैंने, अभी तो मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, बहुत लंबा रास्ता मुझे काटना है इस डीएक्सएन में, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं एंजॉय करके हर दिन उठता हूँ, हर दिन एंजॉय करके काम करता हूँ, और वह एंजॉयमेंट मुझे इस अपने जो डीएक्सएन में जो भी सब अमेजिंग पीपल है उनको देखते हुए मुझे मीन्स हर दिन मुझे बहुत खुशी होती है। उनको देख के मैं इस एनर्जी आती है। और यह जो चड्डे साहब ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था, मैं जब डायमंड हुआ था अक्टूबर 2017 में, उसमें उन्होंने मुझे डायमंड ट्रॉफी दी थी, और प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर की मदद से और सेकंड क्राउन एम्बेसडर चरडे सर, इन दोनों की मदद से मैंने अंबा जोगाई के जो पूरे टीम मेंबर्स है उनको सपोर्ट के लिए कि उनको टीम बिल्डिंग के लिए कुछ तो एक आसान तरीका मिलना चाहिए, उसकी वजह से उनके इनिशिएटिव की वजह से मैंने खुद का स्टॉक पॉइंट चालू किया 28 जुलाई गाइस। एंड टुडे मींस जस्ट दो दिन रह गए हैं उस स्टॉक पॉइंट का भी, हम एक साल अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, परसों एक साल हो रहा है। और यह जो है दूसरा फोटो आप देख रहे होंगे, चरडे सर जो है हमारे स्टॉक पॉइंट का ओपनिंग कर रहे हैं। यह जो है पूरे अचीवमेंट्स है। ये जो है मेंटर हमारे सुरेश दादाजी चरडे सर, उनको मिलते हुए, ये देखिए हमारे जेके सिंह सर, पूरे क्राउन एम्बेसडर है शर्मा जी, चरडे सर और मेरे टीम मेंबर्स उनके साथ बम्बई में जो मीट हुई थी उनके साथ के ये फोटो है। और गाइस मैं अभी हाल ही में 30 मई 2020 को मैंने खुद का एक फास्ट ट्रैक नेटवर्क मार्केटिंग का जो यूट्यूब चैनल है, जैसा आरबीसी चैनल हम सब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप करने के लिए मदद करता है, वैसा ही चैनल मैंने 30 मई को लॉन्च किया है। उसका नाम है फास्ट ट्रैक नेटवर्क मार्केटिंग, और एवरी वीक में मैंने एक नया वीडियो मैं वहां पे अपलोड करता हूँ। हर हफ्ते एक नया वीडियो, जो भी टीम मेंबर्स है मेरे, नॉट ओनली मेरे टीम मेंबर्स, अदर टीम मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑल्सो, जो भी सब डीएक्सएन कंपनी में काम करते हैं उनको डीएक्सएन बिजनेस बिल्ड करने में आसानी हो जाए, इस उसको जरिए उसको ध्यान में को रखते हुए उन सबको एक अच्छा बेटर लर्निंग, क्योंकि मेरा मोटो है अगर आपको बेटर लर्निंग अगर आप मिल जाए तो आप बेटर अर्न कर सकते हैं। लर्न बेटर अर्न बेटर, दिस इज द मोटो ऑफ दिस फास्ट ट्रैक नेटवर्क मार्केटिंग चैनल। उसके थ्रू मैं लोगों की और मेरे टीम मेंबर्स की मदद करने का छोटा सा प्रयास भी कर रहा हूँ। आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, यह जो आदमी है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह जो आदमी है इसका नाम आपको पता है क्या? देखिए गाइस,
आपके सामने आया होगा, यह है ली चिंग युन। यस गाइस, यह है, यह आदमी जो है यह चाइना का है और सबसे ज्यादा इसने 256 साल ये जिया गए, 256 साल क्या राज था, इतने साल वो जिया। आपको अगर विश्वास नहीं बैठेगा कि ये इतना साल कैसे जिंदा रह सकता है, अगर आप अगर आज देखेंगे हर आदमी की जो लाइफ स्टाइल है सिर्फ 50 साल या 60 साल है, 60 साल ही जीते हैं ऑफिशियली, तो 67 ईयर्स हमारी जो है लाइफ है और 67 ईयर्स हम जीते हैं, लेकिन यह जो आदमी है 256 साल जिया गए। उसके जीने का जो राज था उसके हाथ में आप देखेंगे तो ये जो है जड़ी बूटी खा के जो गैनोडर्मा मशरूम है, जिनसेंग जो पूरे जो वो एक हर्बलिस्ट था और पूरे हर्बल प्रोडक्ट्स खा के वो इतने साल जिया गए। आप गूगल पे सर्च करते कर सकते हैं इसका नाम और आप देख सकते हैं कि यह जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे मैं जिस फैकल्टी में काम करता हूँ उस फैकल्टी का नाम है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, क्योंकि मैं जब इस फैकल्टी में मैं डॉक्टर हुआ, मैंने एमडी किया, तो मैं सोचने लगा और मैं जब डीएक्सएन में भी जब काम करने लगा कि जो भी मुझे एमबीबीएस में जो भी मुझे सीख मिली है, जो भी पढ़ाई मिली है, यह जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है यह थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि यह जो है पूरे बॉडी को जो है पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है और पूरे इकोसिस्टम जो है अपना जो बॉडी का वह एक है और हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग नहीं है, हर पार्ट्स हमारे एक है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे एलोपैथी में पूरे डिफरेंट स्पेशलिस्ट है और वो है ये जो क्रोनिक डिसीजेस है, क्योंकि यह प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है पूरे आदमी को एक देखता है, अलग अलग बॉडी को नहीं देखता है। और जो है हमारे जब हमारे शरीर में जो बीमारी होती है यह जो है यह आपको सबको पता है कि यह जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स घुसते हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गया है ड्यू टू लाइफस्टाइल और जो भी इन्फेक्शन अभी हमें हो रहा है, अभी जो आप देखेंगे यह कोविड सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है और यह सारी तीन चीजों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और दैट्स व्हाई मैं अभी काम कर रहा हूं, जो भी फंडामेंटल इम्बैलेंसेस हमारे बॉडी में होते हैं और जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है वह करेक्ट करने के लिए मैं अभी काम कर रहा हूं गाइस। और दिस कन्वेंशनल मेडिसिन जो है हमारा जो एलोपैथिक मॉडल जो है वह जो है यह जो है यह दिस इज नॉट इक्विप्ड टू डील विद द सुनामी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस गाइस, क्योंकि हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथिक मेडिसिन की हमें जरूरत नहीं है, वह उसकी हमें जरूरत है। डिसीज को अगर कंट्रोल करना है तो हमें एलोपैथिक मेडिसिन खाना जरूरी है, लेकिन हमें अगर डिसीज एलिमिनेट करना है तो उसके लिए यह जो कन्वेंशनल मेडिसिन है यह इक्विप्ड नहीं है। इसलिए जो हिपोक्रेट्स ने बताया है कि आपको फूड एज अ मेडिसिन जो 2000 साल 3000 साल पहले हिपोक्रेट्स ने बताया है वह जो कंसेप्ट है वह फिर हम इस हेल्थ केयर में ला सकते हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट हमारा जो हेल्थ है वह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जो है यह जो फ्यूचर जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है इट इज मींस अभी जो है फ्यूचर जो है इट इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग द इलनेस बट इट इज अबाउट क्रिएटिंग द हेल्थ। हमें अभी हमको सिर्फ बीमारी दुरुस्त नहीं करनी है, हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, क्योंकि हमें लोगों की अच्छी सेल्फ केयर करने के लिए हमें एक क्लियर सॉल्यूशन लोगों के सामने देना पड़ेगा और उसके लिए हम जो डीएक्सएन मेंबर्स है पूरे वो हम इस सॉल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अभी जो प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल सर ने मुझे टॉपिक दिया है व्हाट इज कम्युनिटी मेडिसिन और कम्युनिटी इम्यूनिटी क्या है और कम्युनिटी इम्यूनिटी यानी कि हर्ड इम्यूनिटी यानी कि हमारी अंदरूनी जो शक्ति रहती है, अंदरूनी जो पावर रहती है रोगों को लड़ने की, उसको बोलते हैं ये हर्ड इम्यूनिटी। यह किसे कहते हैं, क्योंकि दिस कम्युनिटी इम्यूनिटी अगर हर लोगों में अगर हर कम्युनिटी में अगर अच्छी रही तो वह जो है ये जो इन्फेक्शियस डिसीजेस लोगों को हो रहे हैं, ये जो महामारी लोगों को हो रही है, अगर लोगों में अगर कम्युनिटी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो उनको इस
महामारी को डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर कम्युनिटी इम्यूनिटी होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो कम्युनिटी इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो डिसीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाता नहीं है। लेकिन कम्युनिटी इम्यूनिटी है यह कॉन्टेजियस डिसीजेस को तो स्प्रेड कर स्टॉप करती है, लेकिन हमें जो है जो कम्युनिटी में हम रहते हैं उससे हमको जो है अगर हमको वैक्सीन अगर मिल गया तो हम एक अच्छी इम्यूनिटी इसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कम्युनिटी इम्यूनिटी अगर बढ़ गई तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। सपोज आपकी और आपकी फैमिली अगर समझो कोविड का अगर वैक्सीन आ गया, अगर आपने वैक्सीन लिया तो आप भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स वल्नरेबल है इस डिसीज के लिए वह प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तो इस वैक्सीन का जो इस कोविड के लिए तो अभी वैक्सीन आया नहीं है, बहुत सारे अदर जो है डिसीजेस जो भी सांस से उसके लिए वैक्सीन आया है, तो ये जो है वैक्सीन इट इज द ओनली वन वे विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन बिल्ड दिस कम्युनिटी इम्यूनिटी। अभी मैं थोड़ा इस जो करंट सिचुएशन है जो बहुत बड़ी फैल चुकी है COVID-19, आपका अगर अभी का ये स्क्रीनशॉट है, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे तो लगभग 160 लाख से ऊपर जो है केसेस पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका नंबर एक पर है, दूसरे नंबर पर है ब्राजील जो कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री वो है, और तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया है। इंडिया में बहुत सारे केसेस बढ़ चुके हैं, लगभग 13 लाख से ऊपर केसेस बढ़ चुके हैं, और उसके जो डेथ्स है वह भी आप यहाँ पे आंकड़ा देखेंगे तो वह भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो यह जो कोविड की सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है, हमारे देश में भी बहुत गंभीर हो चुकी है, तो अभी यह कोविड जो बीमारी है वह कैसे रोकी जाए, इसको रोकने की अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको अगर हमें रोकना है क्योंकि हमारे में पूरे इस हमारे में कम्युनिटी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो सकती, अगर वैक्सीन आया तभी इस कम्युनिटी इम्यूनिटी यानी कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, तो इसको अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द जनरल एडवाइस। सबसे पहला एडवाइस है हमें जिन लोगों को सर्दी खांसी बुखार है उन लोगों के करीब नहीं जाना है, उनका क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि उनसे 1 से 1.5 मीटर दूरी बनाई रखनी है, क्योंकि अगर आप 1.5 मीटर से अंदर आएंगे जब ये लोग जो है जिनको सर्दी खांसी या बुखार है वह जब खांसेंगे जब वो ये करेंगे कफ करेंगे तब जब वो बोलेंगे तब उनके मुंह के थ्रू ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं मुंह से उड़ने वाले उसमें यह जो वायरस है वह जिंदा रहता है, और जब अगर आप 1 से 1.5 और यह जो ड्रॉपलेट्स है यह सिर्फ 1 से 1.5 मीटर तक ही ट्रेवल करते हैं, जब आप उसके दायरे में आ जाएंगे आपने अगर मास्क नहीं पहना है तो आपके नाक और रेस्पिरेटरी रूट में वह ड्रॉपलेट जाएंगे और उसके थ्रू जो वायरस है वह भी आपके नीचे जाएगा आपके शरीर के अंदर जाएगा, उसकी वजह से आपको भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, यह बहुत बड़ा पहला जनरल एडवाइस है। दूसरा है फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, हमारे हाथ जो है हम कहीं पर भी लगाते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, जब भी हम बाहर घूमते हैं, बाहर तो घूमना नहीं चाहिए, अभी तो वातावरण बहुत खराब हो चुका है, अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हर सिटी में हर गांव में हर शहर में अभी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे हाथ की जो सफाई है वो अच्छी तरह से बहुत करनी है, और जब भी हम किसी जो बीमार लोग है उसके अगर संपर्क में हम आते हैं तो हमारे हाथ साबुन से धोना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा, जो भी लोगों को इस बीमारी के सिम्टम्स है लाइक उनको अगर खांसी है सर्दी है बुखार है तो उन लोगों ने रेस्पिरेटरी इटिकेट फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, उनको मेडिकल मास्क यानी कि सर्जिकल मास्क पहनना बहुत जरूरी है, मास्क पूरे मुंह पर होना चाहिए। और तीसरा जो है उनको अगर सिम्टम्स है कुछ अगर उनको बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यह जनरल एडवाइस आप अगर फॉलो करेंगे तो कम्युनिटी का इन्फेक्शन जो है कम्युनिटी में जो भी फैलाव हो रहा है तेजी से वह कम होने में बहुत बहुत आसानी होगी गाइस। अभी रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि रेस्पिरेटरी एटिकेट उसे किसे कहते हैं, क्योंकि यह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है स्प्रेड जो है वह कम करता है,
आप जब भी खांसते हैं तो आपको जो आपका मुंह जो है दूसरी तरफ करना चाहिए, जो लोग सुन रहे हो अगर इस तरफ है तो आपका मुंह अगर इस तरफ करना चाहिए। आप अगर खांस रहे हैं तो आप जो आपके मुंह के ऊपर आपको रुमाल रखना चाहिए। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप आपकी बाहों में आप खा सकते हैं या छींक सकते हैं। तो ये जो है, और उसके बाद अगर आपने आपके हाथ भी आपको साफ करने चाहिए, आपको यहाँ वहां थूकना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, यह आपको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है गाइस। और अभी आप हमारे जो इम्यून सिस्टम है, यह इम्यून सिस्टम जो है यह एक बहुत की है हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यह अगर आपको अगर अच्छी करनी है, आपको अगर आपकी स्किन अगर अच्छी करनी है, आपको अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वह बहुत अच्छी होना बहुत बहुत जरूरी है गाइस। और आपको पता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, कोविड को भी प्रोटेक्ट करेंगी, और जो अदर जो बैक्टीरिया है, पूरे बैक्टीरिया रहे या वायरसेस रहे, सबको फाइट करेंगे गाइस। क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि हमारे सोल्जर्स, हमारे शरीर में जो भी सोल्जर्स फाइट करते हैं, उसको उसके लिए हमारी जो सिस्टम है वह स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है गाइस। और हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जिसके थ्रू हमारे शरीर में पूरे जो हार्मोन्स आते हैं वो भी अच्छे होते हैं, अगर हमारी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी रही। अभी आपका अगर इम्यून सिस्टम का अगर कोई प्रॉब्लम अगर रहा तो आपको क्या लक्षण हो सकते हैं? तो गाइज यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में आपको लक्षण बताया है। आप में लो एनर्जी आप में पाएंगे, आपको बहुत सारी लो एनर्जी आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। दूसरा, आपको सर्टन मेटाबॉलिक इश्यूज होंगे गाइस। मेटाबॉलिक इश्यूज माने यानी कि क्या, आपको वेट गेन आपको हो जाएगा। आपका जो बहुत सारे लोगों का वजन जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है, हेवी रहता है, और वह उनका वजन वो कम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो है उनका वजन कम नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इश्यूज। तीसरा है, आपको ब्लड शुगर इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, आपकी शुगर लेवल कम ज्यादा हो सकती है। आपको इरिटेबिलिटी बहुत हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, आपको रेस्टलेसनेस होगा, आपको माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, बीमारी के लक्षण आप में दिख सकते हैं। और आपको जो पेट की जो पूरे सिम्टम्स है, पेट की बीमारी के जो सिम्टम्स है वह बढ़ जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको हो सकते हैं। यह पूरे लक्षण दर्शाते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम में कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है। अभी आपकी इम्यून सिस्टम क्या है? आपकी इम्यून सिस्टम जो है, यह इम्यून सिस्टम जो है, यह व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, हमारे जो सोल्जर्स है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम बनती है। और हमारे इम्यून सिस्टम के जो है वह दो मेजर गोल्स रहते हैं गाइस। हमारे जो अंदर के जो सेल्स है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी वाली है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है, और जो भी हमारे सेल्स में जो इश्यू चल रहे है उसको अगर एड्रेस करना है तो यह इम्यून सिस्टम हमारा काम में आता है। दूसरा, जो भी आउटसाइड इन्फेक्शन जो हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे सेल के ऊपर जो अटैक करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और एवरी हेल्दी पर्सन जो है, ये जो है बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स जो है, इसके थ्रू जो है हमारा मींस क्रिटिकल रोल जो है परफॉर्म करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है गाइस, ये जो है हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी जो है, जो भी बाहर से अभी ये इन्वेडर्स आते हैं, उसकी वजह से हमारा ये जो सेल्स है ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। अभी ये ऐसे इन्वेडर्स कौन से है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करते हैं गाइस, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं? सबसे पहला है हेवी मेटल्स। यस गाइस, दीज आर द टॉक्सिक मेटल्स लाइक मर्क्यूरी है, एल्यूमिनियम है, लीड है। यह क्या करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सेल का फंक्शन जो है वो डेंजर जोन में लाते हैं। दूसरा है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। जो भी पेस्टिसाइड्स जो है एग्रीकल्चर में स्प्रे किए जाते हैं, हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फूड में रहते हैं, इसकी वजह से भी हमारी इम्यून सिस्टम खराब होती है। तीसरा है, हमारे बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम को जो स्ट्रेस होता है, हम जो प्रोसेस्ड फूड जो है हम जो वो खाते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल एक हार्मोन रहता है, वह अगर बढ़ गया, उसको बोलते हैं 911 हार्मोन। 911 क्यों हम नंबर लगाते हैं, हमारे बॉडी में हमारे अगर हेल्थ में कुछ इमरजेंसी आ गई तो हम 911 एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दे, राइट, क्योंकि वो हमारी मदद करने के लिए आ जाए।
वैसा ही यह कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है। जब भी आपके सेल्स अगर आपके स्ट्रेस आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, जब भी आप ये प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, ये हमारा तुम्हारे बॉडी में जो है ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड भी अच्छा काम नहीं कर पाता। चौथा इश्यू है पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर इम्यून सिस्टम आपकी खराब है तो आपका पेट का सिस्टम भी बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके पेट में अगर जो आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर मेरा आप अगर स्पीच अगर सुने होंगे, केरला में मैंने जो स्पीच दिया था वो इसी टॉपिक पे दिया था कि आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वह अगर अच्छा रहा तो आपका कैसा आपका हेल्थ अच्छा रह सकता है। और यह जो है इसको बोलते हैं अगर ये लीकी गट, उसका अगर बैक्टीरियल बैड बैक्टीरिया अगर आपके पेट में अगर बढ़ गए, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या अगर कम हो गई तो आपको माल एब्सॉर्प्शन हो जाता है और उसकी वजह से आपको लीकी गट होता है और उसकी वजह से आपको इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है। गाइस अभी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे स्ट्रांग किया जाए, यानी कि आपकी जो इम्यून सिस्टम आपकी हेल्थ अगर अच्छी करनी है तो वह कैसे किया जाए, यह बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि हमारे जो इम्यून इश्यूज है, हमको अगर हमारे इम्यून सिस्टम अगर अच्छी करनी है तो हमारा पेट अच्छा करना बहुत जरूरी है गाइस। आपकी पेट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना चाहिए। तो आपका पेट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, उसके यह दो स्टेप्स है गाइस, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला स्टेप जो है वो है सी योर लीकी गट। आपका जो लीकी गट इश्यू है, आपको अगर पेट के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लीकी गट सिंड्रोम है हो रहा है, तो आपको वह स्टॉप करना पड़ेगा। लीकी गट पहले आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अभी अगर आपको लीकी गट दुरुस्त करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। यस गाइस, बहुत सारे लोग यह जो हैबिट है वह छोड़ नहीं सकते, उनको आदत हो चुकी है, क्योंकि शुगर इज एक्टिंग लाइक अ कोकेन। यह कोकेन है गाइस हमारे ब्रेन के लिए, ये ऐसा एक हार्मोन रिलीज करता है जो ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। ये शुगर की वजह से ये शुगर हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो है प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी हमारे मार्केट में मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, कुरकुरे मिलते हैं, बिस्कुट मिलते हैं, यह जो मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड्स है यह पूरे अवॉइड करने पड़ेंगे। और तीसरा जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जो है जो भी अभी वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में है, पूरे जो पैकेट में आते हैं यह पूरे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है और वो हमें बंद करने पड़ेंगे। यह स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो लीकी गट है वो दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा जो है, दूसरा स्टेप क्या है, आपको कुछ सुपर फूड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। यस गाइस, एंड कुछ प्रोबायोटिक्स रिच फूड्स आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे। कौन से ऐसे सुपर फूड्स है, सुपर फूड्स यानी कि जो नेचर में ऐसे गिफ्ट बहुत सारे दिए वाले है, नेचर में नेचुरली सुपर फूड्स है वो अगर आप खाएंगे, जैसे कि ज्ञानो डर्मा, ज्ञानो इट इज कॉल्ड, ज्ञानो मीन्स शाइन, डर्मा मीन्स स्किन, आपके स्किन को शाइनिंग देने वाला ज्ञानो डर्मा जो है मशरूम वह आपको खाना पड़ेगा। दूसरा है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक पानी में जो शैवाल रहता है, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी शैवाल रहता है जिसको WHO ने, नासा ने, इमसाम ने सब ने रिकमेंड किया है और वह स्पिरुलिना आपको खाना पड़ेगा। तीसरा है मोरिंडा सिट्रोफोलिया, यह जो नोमी का फल रहता है इसको बोलते हैं मोरिंडा सिट्रोफोलिया, उसका जो जूस है आपको पीना पड़ेगा। और चौथा जो है कुछ फर्मेंटेड फूड्स आपको आपके डाइट में खाने पड़ेंगे। यह जो है आपको अगर आप पूरा ये फॉलो करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वह जो है ज्ञानोडर्मा लुसिडम। आप यहाँ पर देख रहे होंगे नेचुरली यह जो मशरूम है वह लकड़ियों पर आता है गाइज, लकड़ियों पर यह मशरूम उगता है, जंगल में उगता है, आप ये पिक्चर देखेंगे। तो इसका जो नाम है लैटिन नाम है जो है ज्ञानोडर्मा लुसिडम का, मीन्स ज्ञानो मीन्स शाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन, जैसे मैंने बताया लुसिडम मीन्स ब्रिलियंट। और यह जो है चाइना में खाया जाता है, यह बहुत चाइना का बहुत मशरूम फेमस है, चाइना में इसे लिंगजी कहते हैं, लिंगजी लिंगची, लिंगची मीन्स स्पिरिट प्लांट, स्पिरिट प्लांट यानी कि बहुत ऊंची दर्जा वाला प्लांट, जहां की चाइना की जो देवी है उसके हाथ में भी यह ज्ञानोडर्मा का प्लांट पाया जाता है। वहां पे यह एंशिएंट चाइनीज जो किंग्स थे वही खाते थे उनकी उम्र बढ़ाने के लिए। यह जो ऋषि है उसको बोलते हैं 10,000 ईयर मशरूम,
यस गाइस 10,000 ईयर मशरूम और मशरूम ऑफ इमोर्टेलिटी, आपको अमरत्व देने वाला जो मशरूम है, आपकी उम्र बढ़ाने वाला जो मशरूम है, जो आपकी उम्र बढ़ाता है। और जापान में इसे रीशि कहते हैं, जापान के लोग भी इसे बहुत खाते हैं रीशि। और जो है ये जो है मशरूम जो है यह बहुत सालों से खाया जाता है, यह कुछ ऐसा नया आया वाला मशरूम नहीं है। 7,000 साल पुरानी जो ओल्ड टैसिली केव पेंटिंग्स है, 7,000 साल पुरानी जो केव्स में जो पेंटिंग्स मिलती है उसमें भी यह मशरूम पाया गया है। 5,300 पुराना ओल्ड नियोलिथिक ओल्ड जो आइसमैन है उसमें भी यह मशरूम पाया गया है। एंसेंट राइटिंग जो भी है मशरूम के, एलो उसको बोलते हैं, ये चाइना में मिला था, एलो एम्परर्स क्लासिक ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हर्बल जो डेटेड 1644, उसमें भी ये मशरूम का जिक्र किया है गाइस। तो ऐसा यह मशरूम जो है आप देखेंगे, यह देखिए, यह जो है 7,000 साल पुराने ओल्ड तहसीली की पेंटिंग्स है उनके हाथ में आप देखिए मशरूम पाया जाता है। मशरूम आप देखिए, यह पिक्चर में आपको मशरूम दिखाया जाएगा। और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कनेक्शन। यह मशरूम जो है और उसका जेनेटिक कनेक्शन क्या है गाइस, क्योंकि मशरूम का अगर आप डीएनए देखेंगे, यहाँ पे देखिए मशरूम का डीएनए और ह्यूमन का अगर आप डीएनए देखेंगे तो लगभग 50% से ज्यादा सिमिलरिटी हमारे जो है मशरूम डीएनए से मैच करती है। अगर आप प्लांट्स का डीएनए अगर देखेंगे वह बहुत कम लेवल पे है, लेकिन हमारा और मशरूम का जो डीएनए है वह बहुत नियर अबाउट बहुत मैच करता है, जिसकी वजह से आप जब भी मशरूम खाते हैं तो तुम्हारी बॉडी उसको बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट करती है। अभी इसमें मशरूम में ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको फायदा होता है, उसमें जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारे रिसर्च इस पे हुआ है, लाइक बीटा हेटेरो बीटा ग्लूकान्स, लिंगजी 8 प्रोटीन है इसमें, गैनोडरिक एसिड्स है जिसको ट्राइटरपिन्स बोलते हैं, और जो एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं शेंग नॉन बैंग जी, जो 5000 CE में लिखा है, उन्होंने भी इसमें गैनोडर्मा का जिक्र, गैनोडर्मा लुसिडम का जिक्र, मशरूम का जिक्र उन्होंने किया था, जिन्होंने उसमें लिखा था कि आपको अगर वाइटल एनर्जी चाहिए, आपको अगर आपका थिंकिंग अगर अच्छा करना है तो ये जो है आपको, आपका अगर फॉरगेटफुलनेस जो बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा अगर फॉरगेटफुलनेस अगर आपको अगर दुरुस्त करना है तो आपको अगर आपको बॉडी को अगर रिफ्रेश करना है, आपके माइंड को अगर आपको रिफ्रेश करना है, आपको अगर एजिंग आपका अगर डिले करना है, आपको अगर ज्यादा साल अगर आपको अगर जीना है, आपका अगर मेंटल कंडीशन आपको अगर अच्छा करना है तो आपको यह मशरूम आपको खाना पड़ेगा गाइस। यह पूरे ही एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट बोलते हैं। अभी ये मशरूम जो है आपका नेचुरल इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है गाइस, नेचुरल इम्यूनिटी को, कैसे, क्योंकि उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो अपने पूरे बॉडी के सिस्टम को मदद करते हैं, फ्रॉम ब्रेन टू नर्व्स एंड फ्रॉम स्किन सेल्स, इट गिव्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। और जो मशरूम जो है उसे ओरिजिनल सुपर फूड कहते हैं गाइस, ओरिजिनल बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड क्रॉस कल्चरली फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन एंशिएंट पीपल, दे हैव यूटिलाइज्ड दिस मशरूम फॉर हेल्थ एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड गाइस। ऑल्सो दिस मॉडर्न साइंस इट इज कंटिन्यू टू रिकोगनाइज दिस अरे ऑफ हेल्थ सपोर्टिंग कंपाउंड दैट आर फाउंड इन मशरूम। अगर आप मेडिकल, हमारे मेडिकल फील्ड में पबमेड नाम का बहुत बड़ा सर्च इंजिन है जैसा गूगल है, वैसा अगर हमको अगर कुछ रिसर्च के लिए अगर कुछ आर्टिकल अगर ढूंढना है तो हम पबमेड पे जाते हैं, वहां पे अगर आप लिखेंगे मशरूम एंड डायबिटीज, मशरूम एंड ब्लड प्रेशर, स्पिरुलिना एंड डायबिटीज, स्पिरुलिना एंड ब्लड प्रेशर, ऐसे स्पिरुलिना मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम एंड कैंसर, ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारा लिटरेचर वहां पे आपको मिल जाएगा गाइस। तो मॉडर्न मेडिसिन में भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, मशरूम को फंक्शनल फूड कहते हैं गाइस, फंक्शनल फूड, क्योंकि यह मशरूम को आप एवरी डे यूज कर सकते हैं और उसमें जो फुल जो स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं उस मशरूम में, वो आपको जो पूरे बॉडी को जो है पूरे बॉडी को सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, तुम्हारे बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं, सेलुलर लेवल में तुम्हारी बॉडी को अच्छे करते हैं, यह सर्टन एंजाइम्स इसमें होते हैं जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपकी अच्छी करते हैं, और आपको अच्छा न्यूट्रिएंट्स जो भी आपके सेल्स को, आपके बॉडी इंटेस्टाइन में जो भी गुड बैक्टीरिया को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं गाइस। इट कंटेन्स सर्टन पॉलीसेकेराइड्स, इसमें कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं
जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी में जो इम्यूनिटी यानी कि क्या है, आपकी इम्यूनिटी दो तरह की रहती है, इनेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव यानी कि ये टी सेल बी सेल वाली इम्यूनिटी रहती है, इनेट इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल किलर सेल, वो अंदरूनी इम्यूनिटी यानी कि इनेट इम्यूनिटी। और ये मशरूम जो है ये नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है उनको एक्टिविटी, उनका एक्टिविटी बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी इनेट इम्यूनिटी अंदरूनी शक्ति आपकी बढ़ाते हैं गाइस। इट न्यूट्रलाइजेस द फ्री रेडिकल्स विथ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, इट इज द नंबर वन एंटीऑक्सीडेंट फूड, क्योंकि जो भी हमारे सेलुलर लेवल्स पे जो भी रिएक्शंस होते हैं उसमें इस रिएक्शंस की वजह से वो सेल जो है फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, और उस फ्री रेडिकल की वजह से हमारे वो फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में अगर ज्यादा हो गए तो वो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को कमजोर करते हैं, हमारे बॉडी को कमजोर करते हैं। उसकी वजह से हमको एंटीऑक्सीडेंट खाना बहुत जरूरी है। यह एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे फ्री रेडिकल्स का मारा जो है वो कम करते हैं। इट कंटेन्स सर्टन प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, मैंने आपको बताया था आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा करना है तो इसमें भी प्रीबायोटिक है, विच एक्ट एज अ रिसोर्स फॉर प्रोबायोटिक माइक्रोफ्लोरा इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। यस गाइस, इट सपोर्ट्स द स्ट्रेस, आपका अगर अभी आप देखेंगे स्ट्रेस कितना बढ़ गया है, आपका स्ट्रेस सपोर्ट कर सकते हैं, आपका फटिक यानी कि आपको फटिक कम कर सकते हैं। ये जो है आपका डेली मेटाबोलिज्म जो होता है, आपका जो एनवायरमेंट में जो भी आपके असॉल्ट होते हैं उसकी वजह से आपको ये जो मशरूम है वो सपोर्ट करता है। इट ऑफर्स अ गुड फूड सोर्स फॉर न्यूट्रिशन, जो भी हम रोज जो खाना क्यों खाते हैं हम, कि उसके थ्रू हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, वह न्यूट्रिशन ये मशरूम के थ्रू हमें मिलता है गाइस। तो यह सारे जो यूजेस है मशरूम के, यह एनाल्जेसिक बोल के हमें हमारे बॉडी में काम करता है, एंटी एलर्जिक, जो आपको अगर कुछ एलर्जी की अगर बीमारी है तो वह एंटी एलर्जी के जैसा भी यह काम करता है। यह एक्सपेक्टोरेंट एंटी टिश्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि आपको अगर सर्दी खांसी अगर हुई है तो यह सर्दी खांसी कम करने में भी आपको मदद करता है। आपको अगर ब्रोंकाइटिस यानी कि सर्दी हो गया है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं वह अगर हो गया है, तो ये चाइना में उसी के लिए यूज करते थे। आपको अगर रीजनरेशन ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम अगर करना है तो उसी में मदद करता है। इट एक्ट्स एज एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस, हमारे जो न्यूमोनिया है यह स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफिलोकोकाई नॉर्मली रहते हैं, क्योंकि यह जो हम गैनोडर्मा का पेस्ट जब यूज करते हैं तो ये पूरे हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि ये स्टेफिलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई को गैनोडर्मा मार देता है। इट कैन एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट, इट कैन एक्ट एज एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर यानी कि हमारे सेल में जो भी ट्यूमर पैदा करने वाले जो सेल्स है उसको यह मार देता है। नेचुरल किलर सेल्स एक्टिविटी यह बढ़ाता है, हमारा जो इंटरलोकिंग वन और इंटरलोकिंग टू है जो ये बढ़ाता है। एंटीवायरल, अभी जो वायरल जो कोविड का जो वायरस का इफेक्ट अभी बढ़ गया है इसमें हमारे मशरूम में एंटीवायरल इफेक्ट है। इट एनहांसेस द बोन मैरो न्यूक्लिएटेड सेल प्रोलिफरेशन, इट कैन कार्डियोटोनिक एक्शन, हमारा हार्ट भी यह मजबूत करता है, हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल ये कम करता है, और ये जो है हमारा मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम करता है, एंटी एचआईवी भी एक्टिविटी है, और हमारा जनरल इम्यूनो प्रोटेक्शन करता है। इतने सारे यूजेस अगर हमें मिलते हैं तो हमें क्या मशरूम खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये हमें हमारे पूरे जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे जो भी रिलेटिव्स है, जो भी हमको जानते हैं उसको बताना चाहिए या नहीं है, आप बताओ, ये बताना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अगर यह नहीं बताएंगे कौन बताएगा, हम डीएक्सएल मेंबर, एज ए डीएक्सएल मेंबर हमारा ये काम है, ये पूरी जानकारी जो है हम सबको बतानी चाहिए, और यह अगर आप अगर जानकारी अगर बताते हैं तो आपको एक एम्पावर होते हैं, किसी लोग का अगर आप प्रॉब्लम अगर दुरुस्त करने में आप थोड़ी सी भी अगर आपकी भागीदारी होती है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आप में बहुत बहुत मिल जाएगा, और उसी के लिए अभी मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरे को जो बेनिफिट्स मिले है मैं तो कभी मेरे तक सीमित उसको नहीं रखता, मैं पूरे लोगों को बताते रहता हूँ, पूरे लोगों को पूरे वर्ल्ड को बताते रहता हूँ। आपको भी एज ए डीएक्सएल मेंबर यही काम करना है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, जो डॉक्टर वसुपाल सर बोलते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम, वो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको अचीव करना है तो यही एक रास्ता है जो डीएक्सएल ने हमें दिया है, डॉक्टर लिन ने हमें दिया है,
जो रास्ता हमें दिया है, और यह आरबीसी चैनल ने हमें जो रास्ता दिया है, उस रास्ते को हमें उस रास्ते पर हमें चलना है, और हमें जो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस है वो अचीव करना है। तो आपने इतनी देर से, एक घंटा हो गया है, इसी एक घंटे से मेरा जो अभी प्रेजेंटेशन है वो बहुत साइलेंटली आपने सुना। ये जो आप स्क्रीन पर देखेंगे ये मेरे पूरे लिंक्स है, आपको अगर मेरे से अगर कनेक्ट करना है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यूवर्स और आरबीसी चैनल प्रोफेसर राज प्रिंसिपल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और हेलो, यस सर, हाँ थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक, देयर आर नो वर्ड्स नाउ फॉर मी टू एक्सप्लेन योर ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन इन जस्ट you know 50 to 60 minutes what you have done is a tremendous effort, and you are the most right person, that's what I was thinking because being a medical doctor in the area of preventive and social medicine, there are doctors of gynecology, general medicine, surgery, so many departments, as you know, specialists. But generally, rather than their understanding, I think your area is that. Your area is herd immunity. your area is community immunity. Right, sir. Your area is prevention. Social medicine is nothing but prevention. Right, sir. Social medicine is how to promote the preventive aspects in the society, see that people don't get disease, any disease. Right, sir. It is not only endemics or epidemics, infectious diseases, bacterial diseases, lifestyle diseases. अभी आपको मालूम है आज का ये lifestyle diseases को control नहीं करे तो particularly disease like diabetes, stroke, you know, cancer. Out of three, one is the reason for death is cancer today. Right. And this we may go to out of three, two are, we don't know. 100% people may come, die with cancer in one day. Means that the speed it is spreading. Right. I still remember that while I was a child, while we were growing, hardly we were knowing about cancer. Right. This has happened last 60 to 70 years, such a fast growth. And I still remember while I was studying in a college, they used to say that out of 31 death is cancer. This is in 70s, I am telling. True. Yeah? Today, they are telling out of 3, 1 is the death of reason of death is cancer. What a disastrous situation we have reached. Right. With all such a tremendous growth in the modern medicine. We have grown last 60 years many times in technological developments, in modern medicine, in diagnosis, in various researchers, clinical research trial researchers finding out the disease. With all that, cancer out of 31 to out of 31 it has reached means where we are going to end with. Right. Only way is what you told today, prevention, prevention, prevention. Prevention and nutrition. Right, sir. Prevention, and it is amazing your own life story, doctor. We are very excited to see that. And we pray God for you to become normal without even your insulin and everything. And you have hardly doctors share their own personal problems, that is left to them because we cannot interfere in their privacy. But you are so transparent and shared your own diseases. And you found the solution through DXN. How from unhealthy to healthy way you are reaching slowly.
and you are reached. And it is tremendous. In 3 years, 2016 end to 17-18, see, in 3 to 4 years, what you have experienced, your own life story and grandeur must be, your family, your children health, everybody's health. We are concerned with the community health. Mm. As you know that you are in the community medicine, social medicine. We are very much concerned with the community health, social health. Hence, you have very nicely, talked about this, how it will be helpful and how it is required to the society to prevent the diseases, particularly of future generation, children. It is most unfortunate that children and people at the young age succumb to these diseases. Mm-hmm. And they are the productive manpower, and they are very productive earning period. Most of them, they spend in diseases. Hence, if we are able to control and prevent such diseases, I think that this is the best service to society one can do. And you have given a tremendous mind opening and tremendous, information, particularly people awareness, public awareness, social awareness. Now, how we must really move towards nutrition and make this society healthier. And I am sure, Dr. Dahire, your knowledge and your expertise and your humbleness, more than anything, you are so humble, doctor, and definitely people will love you. And your simplicity and the simple presentation of making common man to understand, and that is most important. And your expertise and in the medical field for human health, at the same time you are this is for network marketing skill. I know that you are I know that you are a network marketing skill, and it is going to be exploited by us, by RVC channel. While you asked me, I know that you are more interested to talk on business or marketing. I can talk on both. Than on medicine. You are asking, you are hesitant. I forced upon you. Today's topic I forced upon because I wanted to bring you, talk to you, because people expect. Right, I sir. Know that leadership, team building, or DXN strength, or residual income, passive income. I know that you have slowly developed your skill in this area, and your expertise in these areas will be exploited by RVC channel in the coming day. Mm-hmm. It is just a beginning. We require a lot of leaders, lot of speakers, rather than speakers, a lot of coach, trainers are required in this channel. We will bring them forward so that they will take over the future growth. And thank you very much. So nice of you. And I pray God to give you long life, and let God give you the strength to reach to the top, crown ambassador in DXN, and you will be an asset for us. Thank you very much for your patience and kind presentation of the topic. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.